प्रदेश में बर्ड फ्लू की पहचान और उससे बचाव के उपायों को लेकर पशुपालन विभाग ने देहरादून में गोष्ठी आयोजित की। गोष्ठी में पंतनगर से आए वैज्ञानिकों ने बर्ड फ्लू को लेकर अब तक हुए रिसर्च के बारे में बताया। पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड का पोल्ट्री सेक्टर बर्ड फ्लू के लिहाज से अभी तक पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि किसान या पशुपालक बचाव के लिए किस तरह की सावधानियां अपना सकते हैं। चाहे हमारा फार्म है, फार्म में यदि हमारे बहुत सारे पेड़ है तो लॉपिंग करें। फार्म में हम जो है चूना इत्यादि का जो है हम फैलाव करें, जिससे कि वो बैक्टीरिया हो या वो किसी भी प्रकार का वायरल हो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसके माध्यम से जो है हमारे फार्मर्स अपने कुक्कुट क्षेत्र को जो है बचा कर रख सकते हैं बाहर आने जाने वालों की रोक हो, और यदि किसी प्रकार का आयात निर्यात हो रहा है तो गेट के बाहर हो। उधर चमोली में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। बाहर से आने वाले पशुओं, मुर्गियों और अंडों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। यहां निजमुला घाटी के गोड़ा और रानी गांव में 7 मृत कौवे मिले थे। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब भेजे गए हैं। जी देखिए, अब वन विभाग के पास ऐसी जानकारी आई थी कि ईरानी गांव के पास 2 कौवे मृत पाए गए, तो उस पर तो तत्काल कार्रवाई करते हुए बद्रीनाथ वन प्रभाग ने जो है वन क्षेत्र अधिकारी को सूचित किया और स्टाफ वहां पे भेज दिया है। उसके सैंपल्स कलेक्ट किए जाए, जो कौवे मृत पाए गए हैं उनके सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और इनको जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस भोपाल इनको भेजा जाएगा। चमोली के केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अन्य वन क्षेत्रों में सदियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, इसीलिए वन विभाग ने यहां सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जीएस राणा ने बताया कि फिलहाल यहां बर्ड फ्लू के किसी मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक तो हमारे जिले में इस प्रकार के कोई केस नहीं मिले हैं। यदि हम लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, सारी हमारी एजेंसी सब तैयार है, और किसी प्रकार का भी कोई केस आता है तो उसके लिए हम लोग पूरी हमारी तैयारी कर चुके हैं।